हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये चॉकलेट सॉस। कुछ लोग गनाशे ही बोलते हैं इसको। ये हमारे केक को ऊपर से डेकोरेट करने के काम आती है, डेजर्ट्स में काम आती है। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी। ये लिए मैंने कंपाउंड चॉकलेट, 1 कप कंपाउंड चॉकलेट ले लीजिए या डार्क चॉकलेट। उसमें मैंने लिए व्हिपिंग क्रीम, आप कोई भी हैवी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने 1 कप लिया, इसको मैं माइक्रोवेव में रख कर आती हूँ। 1 मिनट में बन जाती है, वैसे 30-30 सेकंड करके रखिएगा। देखिए पूरी अच्छे तरह से नहीं गली है, मगर मैं एक बार में पूरा 1 मिनट कभी नहीं रखूँगी। और आपसे भी ये चाहूँगी, आप 1 मिनट कभी भी एक साथ ना रखें, 30-30 सेकंड करके रखें। ये देखिए मेरी चॉकलेट सॉस बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपकी तैयार ना हो तो आप 30 सेकंड और रख सकते हैं, मगर एक साथ कभी भी ज़्यादा ना रखें, उससे चॉकलेट का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसमें आप घी या बटर, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब मैं बनाती हूँ अपनी दूसरे टाइप की। इसमें मैंने सबसे पहले शुगर ले लेती हूँ, ये मैं 4 चम्मच चीनी ले ली है। अब मैं इसमें कोको पाउडर ले लेती हूँ, 2 चम्मच, 2 बड़ी चम्मच मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। जस्ट हाफ लिया है मैंने जितनी चीनी, उसका आधा मैंने कोको पाउडर लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं इसको। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख कर आऊँगी, गर्म करना है थोड़ा सा। इतने गर्म होता है, इतने मैंने आरा रोट लिया 2 चम्मच छोटी, इसको मैं पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि इसमें गांठें ना रहें, बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने साथ में क्रीम भी ले रखी है। अब मेरा ये गर्म हो गया, इसमें थोड़ी सी पहले अपनी क्रीम डाल देती हूँ। ये आधी कटोरी हैवी क्रीम है, मैं तो खैर व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, आप कोई भी हैवी क्रीम ले सकते हैं। इससे स्वाद बहुत अच्छा होता है, हमारी सॉस बहुत अच्छी बनकर आती है। अब मैं इसमें अपना ये आरा रोट जो मैंने घोल के तैयार किया था, ये मैं आधा ही डालूंगी। एक बार में पूरा कभी मत डालिएगा, वरना ये जो है जम जाएगा नीचे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए। फिर इसको गर्म कर लीजिए आधा मिनट, फिर दोबारा डाल दीजिए। इस तरीके से करके डाला जाता है। देखिए मैंने दोबारा गर्म कर दिया है। अब मैं बचा हुआ जो है वो सारा इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इससे थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है और अच्छा भी बनती है हमारी। ये देखिए अब हमारी क्रीम तैयार होने जा रही है, मैं इसको एक बार और रख कर आती हूँ। ये देखिए अब ये कंप्लीट हमारी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और हमारी ये चॉकलेट सॉस तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप भी इस तरीके से एक बार चॉकलेट सॉस बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।